So good morning all of you. We will continue class with distributive property over addition for integers. Okay, right now. Distributive property over addition. ठीक है, चले कल एग्जाम्पल देख लिया था हमने इसका एक. A multiply with B plus C is equals to AB plus AC. कैसे? AB से मल्टीप्लाई करेगा AB बनेगा, AC से मल्टीप्लाई करेगा AC बनेगा. चाहे मैं इसको ऐसे सॉल्व करूं या ऐसे सॉल्व करूं, दोनों का आंसर सेम रहेगा. देखें एक एग्जांपल्स के साथ. चलो मान लिया मैंने A को लिखा माइनस थ्री, क्योंकि देखो इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, इंटीजर्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं हमारे पास में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना. तो मैंने B को डिनोट किया 5 से और C ले लिया मैंने माइनस का 3. अब आप कहोगे सर आप बात तो प्लस की कर रहे हो बट साइन माइनस का लगा दिया है ना, तो मैंने साइन माइनस का किसके आगे लगाया है? 3 से पहले. यानी मेरा 3 माइनस का है, बाहर साइन तो प्लस का ही रहेगा. ठीक है, यहां करते हैं A इंटू B, यानी माइनस 3 मल्टीप्लाई विद 5 प्लस A मल्टीप्लाई बाय C, तो माइनस 3 मल्टीप्लाई विद माइनस 3, क्योंकि मेरा A किसको डिनोट करता है? माइनस 3 को. B किसको डिनोट करता है? प्लस 5 को. और C डिनोट करता है माइनस 3 को. क्लियर है? ओके, चले देखो. पहले मैं इस LHS पार्ट को सॉल्व करूंगा, उसके बाद उधर जाएंगे ताकि कंफ्यूजन ज्यादा नहीं होगा मैं ना. तो देखो माइनस 3 का माइनस 3 रहेगा, माइनस का साइन था इसलिए ब्रैकेट में डाल दिया मैंने. यहाँ मल्टीप्लाई लगेगा, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी 5 माइनस 3, माइनस का 3 मल्टीप्लाई में 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया कितना बचा? 2. 2 3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेगा, 2 3 जा 6, ये माइनस ये प्लस, यानी 3 माइनस का है 2 प्लस का है, प्लस माइनस माइनस का 6 आया. क्लियर है? चलिए देखें नेक्स्ट थीम. देखें 3 5 से मल्टीप्लाई करेगा, इधर माइनस का 3 माइनस 3 से करेगा, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 3 जा 15 प्लस 3 3 जा 9, ये 3 माइनस का, सेकंड 3 भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस का 3 बन गया, सॉरी 9 हो गया. ठीक है, ये रहा हमारा माइनस का 15, ये रहा प्लस का 9. डिफरेंट साइन, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट कर दे सब्ट्रैक्ट इसको, तो 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया, रिमेनिंग रहा मेरे पास 6. ग्रेटर वैल्यू किसकी थी? माइनस का 15 था, है ना. यानी आंसर भी किसका आएगा हमारा? नो डाउट माइनस का 6 ही आएगा. ठीक है, आई थिंक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था. इसके क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे, एक एग्जाम्पल आज और ले लिया. आप कहो तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका अभी तक हम, ताकि आपको और समझ आ जाए. ठीक है, साथ साथ अपनी बात हो रखी है कि अगर आपको कोई डाउट्स होता है तो डाउट्स के रिगार्डिंग हाथ खड़ा करना है, इट मीन हैंड रेज करना है आपको. अदरवाइज वी विल कंटिन्यू द क्लास विदाउट एनी इंटरप्शन. ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम इसका. एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसी एडिशन के लिए. इस पर थोड़ी सी बड़ी डिजिट लेते हैं. मान लिया मैंने A को लिया 11 मल्टीप्लाई बाय B को लिया मैंने 17 प्लस और C ले लिया मैंने माइनस का 5. देन A किसके इक्वल था? कि 11 के मल्टीप्लाई बाय B किसका था अपना? 17 के. प्लस A किसके इक्वल था अपना? 11 के मल्टीप्लाई बाय B था माइनस, सॉरी C था माइनस 5 के इक्वल. करें मल्टीप्लाई. फर्स्ट ऑफ ऑल LHS को लिया हमने 11 मल्टीप्लाई विद, ये ब्रैकेट का ब्रैकेट रहेगा 17, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, है ना. मल्टीप्लाई करने पर साइन विल बी चेंज, 5
curly close. Then 11 multiply with 17 में से 5 subtract किया 12 और 11 को 12 से multiply करते 132. हमने start कहां से किया था? Addition से. बट यहां पहुंचते पहुंचते इसने subtraction करा दिया. कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना. ये मत कह देना सर आपने एडिशन का कहा था, एडिशन ही होना चाहिए था. बट क्वेश्चन का साइन जो था, इंटीजर्स की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो इंटीजर्स तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं. ठीक है, अब देखो यहाँ 11 17 से करेगा, 17 बन जा 17, 17 और 1 18 यानी 187. 11 5 जा 55 प्लस माइनस माइनस का 55. ठीक है, इधर हमने 11 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 11 5 जा 55 बना, एक प्लस का और एक माइनस का था, प्लस माइनस माइनस. यहां देखो दोनों वैल्यू डिफरेंट साइन की है, सबट्रैक्ट कर दे. 7 में से 5 सबट्रैक्ट किया 2, 8 में 5 सबट्रैक्ट किया 3 और ये 132 यानी मेरा जो LHS था वही मेरा RHS है. यानी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो भी आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे ब्रैकेट को एक साथ सॉल्व कर दो या इसको अलग करके. जब हम एलजेब्रा वाले एक्सरसाइज में जाएंगे तो हमारे साथ वैसा ही करना है. ठीक है, वहां एलजेब्रा की मल्टीप्लाई जब करेंगे तो भी इसको इसी तरह से करेंगे हम लोग. ठीक है, ये थी अपनी प्रॉपर्टी एडिशन के रिगार्डिंग. इसी को कन्वर्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन में. क्वेश्चन सेम रखेंगे बट आंसर देखना डिफरेंट आ जाएगा. ठीक है, चलें इस एडिशन को यहां से करते हैं रिमूव. आप मत कर लेना ऐसे, इसको हम कर देते हैं सब्ट्रैक्शन. और यहां ये जो प्लस का साइन था इसको कन्वर्ट कर दिया हमने माइनस के साइन में, तो नो डाउट यहां का साइन भी किसमें बदलेगा? माइनस के साइन में. नीचे वाला आंसर सारा चेंज कर दिया हमने क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी बदल चुकी है. एक जगह और करेक्शन करना है अभी हमें, है ना. कहां करेंगे? क्वेश्चन वाले पार्ट में जहां हमने प्लस का साइन लगाया था वहां अब हम करेंगे माइनस का साइन. ठीक है, बाकी क्वेश्चन सेम रहा हमारा. अब देखो फर्स्ट वही LHS पार्ट, 11 मल्टीप्लाई विद ब्रैकेट करली 17 माइनस माइनस प्लस का 5. पहले प्लस माइनस माइनस का 5 हुआ था, अब माइनस माइनस प्लस का हो चुका है. ठीक है, देन 11 मल्टीप्लाई बाय 17 और 5 मिलके बन गए आपके 22. 22 ने की 11 से मल्टीप्लाई, 22 वन जा 22, 22 और 2 24 यानी 242. तो इसका RHS पार्ट क्या कहता है देखें उसको. चलो पहले 11 17 से करेगा, वही पहले की तरह 17 वन जा 17 और 118 187. 11 5 जा 55, पहले भी वही आया था बट अंदर माइनस बाहर माइनस 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 प्लस बन गया. बट पहले क्या था हमारे पास में? सब्ट्रैक्शन का साइन लगता था, है ना. चलें देखें ऐड करें, 7 और 5 12 का 2 कैरी 1, 1 9 और 5 14 का 4 कैरी 1 और 1 2 242. इट मींस 242 इज इक्वल्स टू 242. वहां प्रीवियस कंडीशन में हमारे पास सॉल्यूशन क्या था? 132. यानी हमने केवल और केवल क्या बदला? एक छोटा सा साइन, है ना. वो साइन पहले पॉजिटिव था, अब नेगेटिव बन गया. पॉजिटिव से नेगेटिव में आते आंसर ही बदल गया था. 132 से बदलकर 242 में आ गया वो, है ना. इसलिए हम ये नहीं कह सकते सर क्या फर्क पड़ता है, साइन ही तो चेंज हुआ है ना. देखो एक छोटा साइन पूरा आंसर बदल गया. आई थिंक ये क्वेश्चन समझ आया है. एक एग्जाम्पल और लेंगे बीसी का. चलो सब्ट्रैक्शन के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन और, ताकि थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए. ठीक है, मान ली लिखा हमने 12 मल्टीप्लाई विद माइनस का 5, मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं 6 को. देखो इस बार मैंने साइन तो माइनस का ही दिया है मिडिल वैल्यू का, बस उसके बाद वाली वैल्यू
प्लस की दे दी है, पहले स्टार्टिंग वैल्यू किसकी हो गई मेरी, माइनस की। इसका मतलब मैंने ए क्या लिया है, 12 लिया है, बी को मैंने माइनस 5 लिखा है और सी को मैंने 6 लिखा है। ठीक है, चले ए की जगह क्या पुट किया हमने फिर वापस, कि 12 बी किसको डिनोट करता था, माइनस 5 को, तो माइनस 5 लिखा, फिर ये क्वेश्चन का साइन माइनस वाला, फिर ए लिखा हमने 12 मल्टीप्लाई बाय सी, सी कितना हो गया अपना 6। मैंने कंडीशंस पास में लिख दी कि हमारा ए किसके इक्वल है, बी किसके इक्वल है और सी किसके इक्वल है, यानी ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव और सी पॉजिटिव। ठीक है, चलें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखें, 12 का 12, 6 भी माइनस में, 5 भी माइनस में, सेम साइन विल बी एडेड। कर दें ऐड, 6 और 5 दोनों मिलके क्या बने, माइनस का 11। ये लो माइनस 11, 11 ने 12 से मल्टीप्लाई किया, 132, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, आंसर मिला माइनस में 132। यहां देखो 12 करेगा 5 से मल्टीप्लाई बाय 12, 5 60, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 60। ठीक है, यहां देखो 12 करेगा 6 से मल्टीप्लाई, 12 6 72, प्लस माइनस माइनस का 72। हमने क्या सीखा, कुछ नहीं, क्यों नहीं सीखा, बहुत कुछ सीखा, सेम साइन विल बी एडेड। कर दें ऐड दोनों को, माइनस 60 माइनस 72 टुगेदर माइनस 132, आंसर रिमेन सेम, आंसर रिमेन सेम। ठीक है, तो यहां तक सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाती है आपके। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चंस के रिगार्डिंग अब। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं हम लोग इसी टाइप के वेरिफिकेशन के क्वेश्चंस को, कि कैसे वेरीफाई करें इनको कि ये इसके इक्वल होता है या फिर नहीं होता। यानी अब तक हमने प्रॉपर्टी सारी डिस्कस कर ली है, अब प्रॉपर्टी को अप्लाई कैसे करना होता है वो सीखते हैं, हाउ टू अप्लाई प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखा मैंने, वेरीफाई a माइनस माइनस बी इज इक्वल्स टू a प्लस बी फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a एंड b। कि मुझे वेरीफाई करना है कि a माइनस माइनस का b जो होता है वो ए प्लस बी के इक्वल होता है ना। तो चलो एक एग्जांपल दिया मैंने आपको स्टार्ट में, मैं लिखा ए इज इक्वल टू 21 एंड बी इक्वल टू माइनस का 5, करें वैल्यू पुट, तो ए की जगह ए रखना है, बी की जगह बी रखना है। ठीक है, तो ये देखो ए को तो ए रखा हमने, किसके इक्वल था, 21 के, ये माइनस 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 प्लस बन गया। ठीक है, अब लिखा हमने बी को, बी ऑलरेडी किसका है, माइनस का है, बी ऑलरेडी किसका है, माइनस का, वो किसके इक्वल होगा कि ए प्लस बी के इक्वल होगा। तो ए कितना है 21 प्लस बी कितना है माइनस का 5, क्या दोनों पार्ट सेम सेम रखे गए हैं, 100% प्लस माइनस माइनस का 5 और ये भी प्लस माइनस माइनस का 5, दोनों सबट्रैक्ट किया, 21 में से 5 लेस किया 16 इज इक्वल्स टू 16। चाहे इसमें कैसा भी क्वेश्चन मिल जाए, आंसर दोनों के सेम रहेंगे। चलो एक डिजिट देते हैं और आपको उसके बाद दो एग्जांपल दूंगा अपने आप करने के लिए। ठीक है, मान लिखा मैंने a इज इक्वल्स टू 15 और b इज इक्वल्स टू 18, तो ये तो फर्स्ट हुआ अपना सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन ए किसके इक्वल था कि 15, तो ये 15, ये माइनस फिर 18, यहां लिखा हमने ए किसके इक्वल के 15, ये प्लस 18,
ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस प्लस 18। इन दोनों को करें ऐड, तो ऐड करते बन गया अपना 33। इन दोनों को ऐड किया, ये भी 33, और 33 और 33 आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है ना। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं करने के लिए, सॉल्व करो उसको, फिर देखो क्या आता है। ए इज इक्वल टू 75 और बी इज इक्वल टू 35। फोर्थ क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू माइनस का 51 और बी इज इक्वल टू माइनस का 31। ओवरऑल टू क्वेश्चंस मिले आपको करने के लिए, चेक करो अपने आप को आंसर्स क्या आते हैं आपके। थर्ड पार्ट था ए इज इक्वल टू 75, बी इज इक्वल टू 35। देखो ए की जगह मैंने रखा 75, ये माइनस, फिर माइनस बी है, बी की वैल्यू कितनी है 35। ए किसके इक्वल था कि 75 और बी किसके इक्वल था प्लस में 35। ये 75 माइनस माइनस प्लस का 35, इन दोनों को ऐड किया 110। इधर इन दोनों को ऐड किया 110, तो 110 इज इक्वल टू 110, आंसर रिमेन सेम। फोर्थ पार्ट को देखें इसके, तो उसमें लिखा है ए इज इक्वल टू माइनस का 51, तो यहाँ ए की प्लेस पे क्या रखेंगे, माइनस 51। ये फिर फॉर्मूले का माइनस, ये माइनस और ये भी ऑलरेडी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस का 31 हो जाएगा, है ना। यहाँ कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर पहले से ही माइनस था और उसके मल्टीप्लाई में फिर माइनस का 31 जा रहा है, तो माइनस माइनस प्लस का 31 बन गया, ठीक है। यहां देखो ए किसके इक्वल था अपना कि माइनस 51, ये प्लस का प्लस, बी था अपना माइनस का 31, ये माइनस 51, ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस, माइनस का 31, दोनों को ऐड कर दिया, क्यों, क्योंकि सेम साइन थे, है ना, तो माइनस 82। ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस, माइनस 31, या फिर दोनों के साइन सेम थे, ऐड कर दिया 82। 82 इज इक्वल टू 82, वो भी दोनों किसके, माइनस के। यानी फर्स्ट का आंसर मिला था 110 और सेकंड का आंसर 82। अब कईयों के आंसर्स आए हुए हैं 20, माइनस 20, हाउ इट इज पॉसिबल, समझ नहीं आया मुझे बिल्कुल भी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें और कुछ जो एक छोटा सा हो, इजी सा क्वेश्चन हो, जिसको हम आराम से जल्दी से कर सकते हैं, ना। चलो एक वेरीफाई भी कर देते हैं और छोटा सा। वेरीफाई टाइप का एक सिंगल क्वेश्चन कर लेते हैं अभी, बाकी उसके क्वेश्चंस नेक्स्ट डे की क्लास में, ठीक है। वेरीफाई 18 मल्टीप्लाई विद 7 प्लस माइनस 3 इज इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई विद माइनस 3। देखो इसकी शक्ल देखो, क्वेश्चन की, मेरी नहीं, क्वेश्चन की, देखते शायद कुछ आइडिया हो जाए आपको कि ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया था और आज की क्लास में किया था, ये है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, याद आया कुछ, यही था क्वेश्चन। देखो 18 ने पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, 18 ने फिर इससे मल्टीप्लाई करना है, मिडल का साइन प्लस का मिला, यहां भी देखो